जिलाधिकारी केवीएन पांडियन और एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने रविवार को उनौला के केंद्रीय विद्यालय दौलतपुर के आश्रय पद्धति विद्यालय एवं झरना टोला का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी केवीएन पांडे ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी एसके तिवारी के साथ केंद्रीय विद्यालय उनौला व आश्रय पद्धति विद्यालय दौलतपुर का निरीक्षण किया तथा वहां पर कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत आपात स्थिति में मरीजों को रखने के लिए तैयारी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिलाधिकारी केवीएन पांडेय ने झरना टोला का निरीक्षण कर वहां पर संक्रमित मिले मरीज के आवास सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कॉलोनी वासियों से कहा कि कोरोना का संक्रमित मिलने के कारण उस मोहल्ले को पूरी तरह से सील किया गया है, किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। सभी आवश्यक सामग्री दूध सब्जी आदि उनके डोर स्टेप पर उपलब्ध कराया जाएगा। यदि कोई बिना अनुमति के लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अच्छा बनाया कंटेनमेंट, बहुत अच्छा बनाया। इतनी दूर से ही तुमने एरिया को दाब दिया है, जरूरी है डर फैलाने का। सारे यार यहाँ जो कूड़ा इधर है ना, सारे इकट्ठा करके जलवा दो जी सर। ना इस पे हो सकता है इनने कोई खाया हो। हम खड़े हैं तो एक भाई साहब होता है, अकेले इन्हीं के उनका बाकी लोग का भी चेक नहीं हुआ होगा ना। काफी लोगों को ले गए हैं सर, जिनका 5 डेज होगा उनका पाँच, दो तीन जगह गए ना। और सर जो इसके साथ चल के इसका साल आया था, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हाँ वो तो बहुत अच्छा इंतजाम किया है, रजिस्टर भी रखा। जो आप जो सर जो उसमें आया था तो हम लोग से संपर्क किया स्थानीय पार्षद से, तो हम आपको उसके किए तो आप लोगों के माध्यम से आया है। चेकिंग नहीं हुआ तो सर इसको घर पे रहा जी सर, एक दिन घर पर आया ना। मैं क्या कह रहा हूँ, वहाँ कहीं डॉर्मेट्री में वो आपने रिश्तेदारी घर पे है था। जी सर रिश्तेदारी घर पे रहना आपको, यार जो चाहिए फोन करिए घर पे देंगे, ठीक है। सोलह रूम है आपका, ये मतलब 20x का नाम है, 24 फीट का एक एक रूम है और एक लाइब्रेरी है वो बड़ा वाला, और 20-14 उसमें हॉस्टल उधर है, हॉस्टल देख लेते हैं। Thank you.